नमस्कार, ज्ञान नीति के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आगे की सारी चीज़ें करूंगा जो मैंने पिछले वीडियोस में नहीं किया था, ठीक है। और हम इस टाइप का पोर्टफोलियो कर रहे थे, इसमें मैंने 5 बनाए थे, बट इसमें लोड मोर के बाद कुछ और इस टाइप के हमें शो करने हैं जो मैंने पिछली वीडियो में नहीं किया था, और इस टाइप की कैटेगरी वाइज इन सभी को शो कराना है। पिछली वीडियो में सिर्फ 5 ही आए थे और 5 जो है मैं इस वीडियो में करूँगा, ठीक है। तो इसको करने बहुत ही आसान है, और कैसे होगा वो आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोड मोर करेंगे तो ये सारे यहीं पे शो होंगे, एक बार 5 आएंगे और उसके बाद जब करेगा कोई तो ऐसा होगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो है हमारा, वो क्लिक करने के बाद किसी पे जाएंगे हम तो उस टाइप से वो पोर्टफोलियो में ओपन कर देगा और ये सब कुछ बंद है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसको बनाना है, आगे का सारा कुछ करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ इस टाइप का लास्ट हमने कर दिया था, और ये अब मैं ऐड न्यू कर रहा हूँ, जिसमें मैं कुछ इमेजेस और एक्स्ट्रा डाउनलोड करूँगा और उसके बाद उनको उसी हिसाब से लगाऊंगा, ठीक है। ये जो विजुअल पोर्टफोलियो था, ये प्लगइन मैंने डाउनलोड किया था, पिक्साबेस से मैं इमेजेस उठा रहा हूँ, बिजनेस से रिलेटेड उठाऊंगा, सॉरी ये बता, ठीक है एक बार करते हैं इसको, ठीक है। हाँ, तो मैं बिजनेस से रिलेटेड उठाऊंगा यहाँ पर, और इसके बाद 5 इमेजेस उठानी है मुझे, तो आप देख लीजिए जौन जौन सी उठानी हो आप उठा लीजिएगा, मैं तो अभी अपने हिसाब से ले रहा हूँ। तो 2 मतलब कि 3 इमेजेस हमारे पास पहले से है, और 2 मैं यहाँ पर से डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 इसलिए हमारे पास पहले से अवेलेबल है क्योंकि हमने जब पहली बार वो अबाउट अस का पेज बनाया था तो उसमें हमने 3 इमेजेस बिजनेस की निकाली थी, इसीलिए वो वाली इमेजेस जो है अभी हमारे पास पड़ी हुई हैं, और वो इसमें दोबारा से मैं यूज़ कर लूँगा क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट को ज़्यादा हैवी भी नहीं करना चाहता ताकि ये प्रॉब्लम हो जाए। मैंने ये वेबसाइट अगर वर्डप्रेस पे जाने के बाद मुश्किल 70 MB के आसपास में मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं चाहता इसको, ठीक है, बढ़ाना, क्योंकि ज़्यादा अगर होगा तो फिर आप जानते हैं स्लो भी होती है और कई सारी चीज़ें होती रहती हैं, लोड होने में प्रॉब्लम ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर से बिजनेस की जो अभी इमेजेस हमने 2 डाउनलोड की हैं उनको उठा करके यहाँ पे डाल देंगे, बट पहले की जो इमेजेस है हमारे पास, पहले मैं उन्हीं को यूज़ कर लेता हूँ। 3 इमेजेस थी तो मैंने पहले इसमें यहाँ पे कर लिया, यहाँ पर से इसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। इसको करने के बाद हमें क्या करना है, एक ऐड न्यू करना है, यहीं पर एक और पोर्टफोलियो का आइटम ऐड न्यू होगा, और इसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे उससे रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर से पेस्ट करते हैं, इसको कर देते हैं सेकंड, ठीक है, इस टाइप से। आफ्टर दैट इसमें बिजनेस की कैटेगरी और जो टैग है वो बिजनेस का, उसके बाद यहाँ से सेट फीचर इमेज, जो ये तो हमने यूज़ कर ली, अब ये वाली करते हैं, और इस टाइप से आफ्टर दैट ये भी आ गया। और इसके बाद अब हमें इसे करना है डन। डन करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर से इसको कर देंगे पब्लिश, बस इतना से था ये। और ऐसे ही करके हमें 3 और करने हैं, तीनों को भी मैं ऐसे ही कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा किस तरह से करना है। पहले आपको क्या करना है, ये वाला जो पेज है हमारा यहाँ पर तो हो गया, ये तो यहाँ पर हो गया हमारा, और इसके बाद यहाँ पर से हम पेज करते हैं, इसको कॉपी, देन यहाँ पेस्ट, यहाँ पे 3 कर दिया इसको, यहाँ पर इसके बाद सेम कॉपी को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है बिजनेस, और इसके बाद यहाँ पर आकर के इस तरह से, ठीक है, इसको कर देते हैं यहाँ पे ये इमेज। आफ्टर दैट ये 3 इमेजेस जो हैं हमने लगा दी जो हमने बनाई थी, और इसके बाद अब हमें जो अभी हमने डाउनलोड की है वो इमेज लगाएंगे, और उसको लगाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर से ही आप ऐड न्यू करेंगे हर बार, ठीक है। और ये जो कंटेंट है इसी को मैं बार बार कॉपी कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब का कंटेंट लिखिएगा क्योंकि मेरे पास कंटेंट नहीं है, सिर्फ डिज़ाइन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसको सेम को यहाँ पे पेस्ट करते हैं यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर से मैंने इसको फोर्थ कर दिया ये। आप वीडियो भी कर सकते हैं, वीडियो कोई
बड़ी बात नहीं है, यहाँ फीचर इमेज की जगह पे यहाँ पे वीडियो का लिंक लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। वीडियो आप अपने मीडिया में अपलोड करके उसका डायरेक्टली आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पर से। ऐसे ही कुछ है ये, इन दोनों इमेजेस को मैंने अपलोड कर लिया यहाँ पर से। ऊपर देखिए URL भी लिखा है, ठीक है, वो URL डाल सकते हैं वीडियो का। ठीक है, यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर से इसको करते हैं पब्लिश, देन ऐड न्यू। ऐड न्यू करने के बाद अगेन यहाँ पर से कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट। ये पांच थे मुश्किल से, और इसके बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है और छोटे मोटे चीज़ें थी। कॉपी पेस्ट बस इतना ही किया है मैंने, कुछ भी इसमें लिखा नहीं है। बट हाँ, अगर आपका कंटेंट होगा तो आप वही लिखेंगे, मैंने तो सिर्फ लर्निंग पर्पस से बनाया है तो इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस टैग्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं, बिजनेस टैग। और इसके बाद यहाँ फीचर इमेज में मैं इसको उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, डन। अब क्या होगा, इतना कर तो दिया मैंने, बट अभी प्रॉब्लम है, स्टिल अवेलेबल प्रॉब्लम। यहाँ पर से जैसे हमने इसको किया है, यहाँ पर से अभी हमें यहाँ पे तो नहीं आई वो अभी। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो वो सारे आ जाएंगे, बट प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर आ गई है सारी की सारी इमेजेस, बट इनके कलर्स जो हैं वो परफेक्ट नहीं है। यहाँ पर देखिए ऐसा आ रहा है, लोड मोर करने के बाद ये सारा कुछ कॉल हो रहा है। मैं चाहता हूँ पहले पाँच ही शो हों, और उसके बाद अगर कोई लोड करे तो फिर पाँच और शो हो जाए। ठीक है, इतना सा चाहिए मुझे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कुछ भी स्पेशल नहीं करना पड़ेगा, छोटी सी चीज़ें। और ये जो आप देख रहे हैं बिजनेस में पाँच हैं यहाँ पर, और इसके बाद होम के अंदर भी पाँच हैं, ऐसे करके। और अब हमें करना क्या है, जो हमारा ये पेज था, ये तो एलिमेंटर का पेज है, इसका ज़रूरत नहीं है। बट जो हमारा वो पेज था ना, जहाँ पर से ये वाला, इसमें हमें पर पेज पे 6 के बदले 5 कर देने हैं। ठीक है, स्ट्रेच नहीं करना चाहता मैं। और इसके बाद यहाँ पे अपडेट करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, इन पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे आएंगे। और उसके बाद अब देखेंगे तो पहले इसको अपडेट होने दीजिए, हो गया। यहाँ पे आएंगे और इसके बाद एक बार रिफ्रेश करेंगे पेज को। ठीक है, पूरे पेज को F5 दबाया मैंने। उसके बाद यहाँ पर जैसे ये रिफ्रेश होगा तो आप देखेंगे 5 ही शो हुए। उसके बाद लोड मोर करेंगे हम तो 5 और शो हो जाएंगे इसी टाइप से। ठीक है, प्रॉब्लम अब क्या है, प्रॉब्लम ये है इसमें बॉर्डर की कमी है। बॉर्डर बनाएंगे हम, और बॉर्डर बनाने के बाद हम एक चीज़ और लगाएंगे, जिसको कहेंगे हम यहाँ पर से, देखिए ये जैसा भी है अभी यहाँ पर हम CNBN पोर्टफोलियो ये वाला पेज है, इसको हम उठा करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कॉपी कर रहा हूँ मैं, ये हमने पिछली वीडियो में बनाया था, कैसे बनाया था आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा पार्ट स्किप कर दिया जो ज़्यादा टाइम ले रहा था, तो इसीलिए मैंने अब यहाँ पर से इसको हिस्से को लिया, सेव एज टेम्पलेट कर दिया। यहाँ पर नाम लिख देता हूँ हेडर। ठीक है, हेडर लिखने के बाद मैं इस वाले टेम्पलेट को कहीं भी यूज़ कर पाऊँगा। ठीक है, मैं इसको अब एडिट विद एलिमेंटर करूँगा ना, तो फिर यहाँ पर अगर हम आएंगे तो इसमें एक ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ये इस एरिया को हम डिलीट कर देते हैं पहले, ये मैंने अभी बना दिया था। ठीक है, स्किप कर दिया मैंने पार्ट। और इसके बाद यहाँ पर से हम प्लस करेंगे, यहाँ पे आएंगे टेम्पलेट पे, और सेम को उठा करके कॉल कर लेंगे, माई टेम्पलेट में आना है, ये है, इसको इंसर्ट कर दीजिए, यस। अब देखिए जैसे इंसर्ट हुआ वो सेम चीज़ आ गई। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं CNGlance पोर्टफोलियो, इतना सा लिखना है और ये मेरा काम तो डन। ठीक है, इस टाइप से CN पोर्टफोलियो एंड देन अपडेटेड एंड डू इट रिफ्रेश हियर एंड यू विल गेट अ परफेक्ट लुक फॉर दिस साइट। ठीक है, अब एक हेडर भी आ गया और एकदम बढ़िया से हमारा पोर्टफोलियो पेज क्रिएट हो गया। न्यू अराइव्ड में हम देखते हैं क्या डालेंगे, न्यू अराइव्ड में जो नए नए प्रोडक्ट हमारे आएंगे तब चीज़ें जैसे कि होम वगैरह कुछ भी, तो वो सब डाल सकते हैं ऐसी टाइप का। तो लास्ट पेज है, उसके बाद ये पूरी वेबसाइट जो है डायनेमिक वर्डप्रेस पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इसको वर्डप्रेस किया है, HTML से वर्डप्रेस किया है पूरा, और एकदम बढ़िया सा लुक आ गया है इसमें। ठीक है, और एक मैंने पिंक कलर का शेडो डाला है, आप देख लीजिएगा कैसे है ना।
और इसके बाद यहाँ पर ये सब कुछ है। अगर नहीं पता होगा तो डिस्क्रिप्शन में पूछ लीजिएगा, मैं कोड दे दूँगा। और यहाँ पर आते हैं हम इस टाइप से, और ये पूरा लुक जो है क्रिएट हो गया। तो आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान निधि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।